टिकरी में विगत दिनों से चल रही धार जिले के बहुचर्चित महगांव कांड पिता पुत्र द्वारा आत्महत्या को लेकर शुक्रवार को समाजजनों ने नगर में एकत्रित होकर पाटीदार समाज ने रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए टिकरी तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार कार्तिकीय मौर्य को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि राम मंदिर के पुजारी पिता पुत्र के सोशल मीडिया पर कई अकाउंट थे, जिनके माध्यम से नाबालिग एवं विवाहित महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो एवं मैसेज के माध्यम से डरा धमकाकर मोटी रकम लेते थे। साथ ही पीड़ित परिवार की नाबालिग बेटी को लगभग 2-3 वर्ष तक मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजकर दबाव बनाते थे। इसी के चलते बदनामी, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शासन की कार्यवाही के भय से दोनों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। महेश पाटीदार आज तहसील कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मेघाव कांड में जो पाटीदार समाज पिछड़ा वर्गों को बदनाम किया जा रहा है ब्राह्मण समाज की ओर से, उनको उसी के लिए ज्ञापन देने हम तहसील कार्यालय में आए हैं। पाटीदार समाज पिछड़ा वर्ग एक बहुत शालीन समाज है, जो कि हमेशा देश के कानून की न्याय की व्यवस्था के साथ में रहता है। हमारी एक ही मांग है कि जो महगांव कांड में जो 8 लोगों को बंदी बनाकर उन्हें रखा गया है, उनको तत्काल छोड़ा जाए, नहीं तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम पिछड़ा वर्ग के तकरीबन 27% भारत में निवास करते हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से अभी आपको हम ज्ञापन दे रहे हैं, फिर उग्र आंदोलन होगा, उसकी जवाबदारी पूर्णतः शासन और प्रशासन की रहेगी। क्या नाम है आपका? प्रवीण पाटीदार, ग्राम कुआं। क्या पद है आपके पास? ग्रामीण अध्यक्ष है, ग्राम कुआं सर। आज आप तहसील कार्यालय में आवेदन देने के लिए आए, जो बहुचर्चित महगांव कांड जो है जो सर्वविदित हो चुका है, जिसमें पूरे पाटीदार समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही ब्राह्मण समाज के द्वारा, जो पीड़ित है मतलब जो अपराधी था अब वो पीड़ित में बन गया है, जो उसने आत्महत्या कर ली, तो ये क्या हुआ? सारा पाटीदार समाज के लिए बदनाम होगा क्या? क्या क्या कहना चाहते हैं आप, किस प्रकार आगे कार्रवाई होगी? ये कि जो अध्यक्ष ठाकुर साहब जो एसआई जो थे निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे थे, उनको ब्राह्मण समाज के दबाव में आकर के निलंबित कर दिया गया है और पूरी जांच प्रभावित हुई है उससे, और हम ये चाहते हैं कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरा पाटीदार समाज आक्रोशित होकर बृहद आंदोलन करेगा और फिर उस आंदोलन का जो भी स्वरूप होगा उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। क्या नाम है दादा आपका? महेंद्र पाटीदार। आज यहाँ तहसील कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए, क्या नाम? ये ब्राह्मण समाज द्वारा जो है वो पाटीदार समाज को पूरा महगांव प्रकरण में जो बदनाम किया जा रहा है और एसआई साहब को जो निलंबित किया गया है, पहले तो उनको जो है वो वापस बहाल किया जाए, और अगर शासन प्रशासन को ऐसा लगता है कि पाटीदार समाज गलत है तो सीबीआई जांच करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बस हमारी इतनी मांग है। पाटीदार समाज ने आज बृहद रूप से ब्लॉक स्तर पर तहसील में उपस्थित होकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। महगांव तहसील धर्मपुर जिला धार में जो अनुचित कार्रवाई है उसे निरस्त कराने बाबत मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया है।